बुलेटिन की शुरुआत तो बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बता दिया है। जी हां, बड़ा बयान दिग्विजय सिंह का सामने आया और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बता दिया अपने बयानों में। उन्होंने कहा कि जो गद्दारी करता है उनकी आने वाली पीढ़ी याद रखती है। पानीपत की लड़ाई में हिंदू राजाओं का साथ नहीं दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, कांग्रेस से गद्दारी की, पैसा देकर कांग्रेस के विधायक भगा ले गए। सिंधिया ने गद्दारी नहीं की होती तो कमलनाथ की सरकार नहीं गिरती। सिंधिया महाराज पूरा फायदा उठाओ कांग्रेस से, अब चले गए भाजपा और पैसा बांटते चले और हमारे एमएलए और भगा के लेके। देखो गद्दार जो है इतिहास माफ नहीं करता, जो गद्दारी करता है उसके आने वाली पीढ़ियों याद रखते हैं कि इसने गद्दारी की थी, करते नहीं करते। आज भी जब झांसी की रानी की बात आती है तो सिंधिया परिवार की बात आती कि नहीं आती है। पानीपत की लड़ाई में अगर इन्होंने साथ हिंदू राजाओं का दिया होता तो हम अहमद शाह अब्दाली पानीपत की लड़ाई हार गया होता, और हमारे महाराज सिंधिया जी ने अगर कांग्रेस से गद्दारी नहीं की होती तो आज भी कमलनाथ जी की सरकार रहती कि नहीं रहती, और कमलनाथ जी की सरकार रहती तो किसानों का बिल आधा होता कि नहीं होता, और गरीब कर्जा माफ। कालू राम जय हो, तुम्हारा भाषण घटा नहीं होता। तो दिग्विजय सिंह को आपने सुना, कार्यक्रम के दौरान मंच से उन्होंने कहा कि जो गद्दारी करता है उसको याद रखा जाता है। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को गद्दार बता दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उन्होंने ये बयान दिया, कहा कि जो गद्दारी करता है उनकी आने वाली पीढ़ी उनको याद रखती है। पानीपत की लड़ाई में हिंदू राजाओं का साथ नहीं दिया गया, और जो गद्दारी करता है उसको हमेशा याद रखा जाता है, आने वाली पीढ़ी भी उनको याद रखती है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी याद दिलाया कि किस तरीके से वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद कमलनाथ की जो सरकार थी वो गिर गई। एक बार आपको फिर से सुनवा देते हैं कि दिग्विजय सिंह ने किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर किस तरीके से करारा हमला बोला। सिंधिया महाराज पूरा फायदा उठाओ कांग्रेस से, अब चले गए भाजपा और पैसा बांटते चले और हमारे एमएलए और भगा के लेके। देखो गद्दार जो है इतिहास माफ नहीं करता, जो गद्दारी करता है उसके आने वाली पीढ़ियों याद रखते हैं कि इसने गद्दारी की थी, करते नहीं करते। आज भी जब झांसी की रानी की बात आती है तो सिंधिया परिवार की बात आती कि नहीं आती है। पानीपत की लड़ाई में अगर इन्होंने साथ हिंदू राजाओं का दिया होता तो हम अहमद शाह अब्दाली पानीपत की लड़ाई हार गया होता, और हमारे महाराज सिंधिया जी ने अगर कांग्रेस से गद्दारी नहीं की होती तो आज भी कमलनाथ जी की सरकार रहती कि नहीं रहती, और कमलनाथ जी की सरकार रहती तो किसानों का बिल आधा होता कि नहीं होता, और गरीब कर्जा माफ। कालू राम जय हो, तुम्हारा भाषण घटा नहीं होता। और दुर्गेश केशवानी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से और अब्बास हाफिज हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन ले लेती हूँ यहाँ पर। अब्बास हाफिज जी क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर, चूंकि लगातार हमला बोला जा रहा है और अब चूंकि दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर करारा हमला बोल दिया है। सहमत है दिग्विजय सिंह जी के बयान से। दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया और हमेशा की तरह सोच समझ के तथ्यों के ऊपर, तथ्यों के आधार पे की बुनियाद है जिसके सबूत है, लेकिन गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर दिया है सर। मराठे सेनाओं को अहमद शाह अब्दाली से लड़ाई लड़ते समय अगर धोखा दिया था, गद्दारी की थी, तो गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे क्या?
अगर कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया सरकार बनने के बाद सरकार गिराने के नाम पर अपने निजी हितों के लिए तो क्या गद्दार नहीं कहेंगे? हाँ, डंके की चोट पे कहते हैं सिंधिया जी ने गद्दारी की, और बच्चा बच्चा मध्य प्रदेश का जानता है गद्दारी करके सरकार गिरवा के और दूसरों से सौदा करके उनकी सरकार बनाई, ये सपने देखा है तो क्या नहीं कहेंगे? रात को रात नहीं कहेंगे, दिन को दिन नहीं कहेंगे, कहेंगे जो सच है वो सच है और सच कड़वा होता है, सिंधिया जी को बुरा लगेगा। केशवानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। सर, किस तरीके से इस बयान को आप देखते हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है और शायद यही वजह है कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी उनको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जब से सरकार इनकी गई है तब से ये टीस उनके मन में है कि जो उमंग श्रृंगार जी ने दिग्विजय सिंह जी के लिए बोला था, ये तो पूरा प्रदेश को लूटने में लगे हुए थे अंजलि जी, और अब बैठ के जो ये टीस है वो निकाल रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, बेच दिया, सौदागर बोल रहे हैं, अनेकों अनेक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि जब जनता की अदालत में जाते हैं और जनता आपको जन आशीर्वाद देती है, तो मुझे लगता है यही व्याकुलता जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी में दिख रही है वही दिग्विजय सिंह जी को उस मंच पे भी दिखी होगी, क्योंकि सत्ता तो रही नहीं, अब बैठ के गद्दार करते रहो, खुद्दार करते रहो, और उसके बाद भी सभी जनप्रतिनिधि जनता की अदालत में गए हैं अंजलि जी, जनता की अदालत से जनादेश लेके वो बने हैं, कोई सही नहीं बन गए जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। और ये अगर अपमानित कर रहे हैं तो मुझे लगता है पानी की लड़ाई में सिंधिया जी के घर के परिवार की सेना तो आपको टीस किस बात से? सिंधिया परिवार सेना में शामिल था, ज्वाइंट मराठा फोर्सेस पानीपत में लगी हुई थी, यार मंत्री भाई की सहायता करने सिंधिया परिवार के लोग आगे गए थे, धोखा दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गद्दार कह चुके हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंधिया जी को गद्दार बोल चुके हैं आज से चार साल पहले। शिवराज सिंह चौहान जी ने गद्दार बोला है। करके सर, एक एक करके रिएक्शन ले लेती हूँ मैं, एक एक करके। दुर्गेश केशवानी जी, एक बार मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। अब्बास हाफिज जी, आप कह रहे थे कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने करारा हमला अब यहाँ पर बोल दिया है, आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। देखिए अंजलि जी, सबसे पहले तो शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद आज से चार साल पहले सिंधिया जी के परिवार को गद्दार बोला था, मेरे पास प्रमाण है, कांग्रेस पार्टी ने वीडियो जारी भी किया था। आज अगर ये उस बात से पलट जाए तो हम अपनी बातों से नहीं पलटते हैं, हम अपनी बात पे रहते हैं। मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल है, क्या नस्लें आज नहीं जानती हैं आने वाली पीढ़ियां और जो गुजर चुकी पीढ़ियां वो नहीं जानती हैं कि पानीपत की लड़ाई के अंदर ज्वाइंट मराठा फोर्सेस को धोखा दिया सिंधिया परिवार ने और अपनी सेनाओं को नहीं भेजा था? जनता जानती है। और क्या गद्दारी करके सरकार गिरा के अपने निजी हितों के लिए राज्यसभा पक्की करने के लिए केंद्रीय मंत्री बनने के लिए सरकार दूसरी नहीं बनवाई बीजेपी की? सबके सामने है ये सौदे की ऊपर, तो भाजपा के लोग भी बहुत संजीदगी से नहीं लेते हैं। मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण छोटा सा है, क्या मराठा ज्वाइंट फोर्सेस का साथ सिंधिया जी के परिवार ने दिया था नहीं दिया, रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था नहीं दिया था? जवाब दे दें, बात साफ हो जाएगी, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथी जो बातों को इधर से उधर मोल्ड करके बातें कर रहे हैं आप नहीं दे पाएंगे। क्या शिवराज जी ने बिल्कुल शिवराज जी ने गद्दार क्यों बोला था? अब्बास जी, पर आप जो सौदे की बात कर रहे हैं, शिवराज जी ने गद्दार बोला था नहीं बोला था? कर रहे हैं जो शिवराज जी ने गद्दार बोला था नहीं बोला था, वो तो जनता की अदालत ने उनको जन आशीर्वाद दिया है, आपको क्यों शिवराज जी ने गद्दार बोला था या नहीं बोला था? इतना सवाल आपको क्यों तकलीफ है कि सिंधिया जी केंद्र शिवराज जी ने गद्दार बोला था नहीं बोला था? हमारे दूसरे विधायक मंत्री हैं, तो ये मुझे लगता है कि शिवराज जी ने गद्दार बोला था नहीं बोला था? कांग्रेस आज से चार पाँच साल पहले शिवराज जी ने गद्दार बोला था, उनको लूटने का कोई अवसर नहीं मिला, लूटने का मध्य प्रदेश को अवसर नहीं मिला उनको, वो लूटने के इरादे से दुर्गेश भाई, शिवराज जी ने गद्दार बोला था या नहीं बोला था? कहीं किसी ने कोई बात नहीं की है, बिल्कुल बोला था, बिल्कुल बोला था, बिल्कुल बोला था, भोपाल में मंच से बोला था, पर और मध्य प्रदेश की बात वो वीडियो है। सत्ता के लिए अगर आप ये काम करेंगे तो अब्बास जी, इसको प्रदेश की जनता अच्छा नहीं मानती है। ठीक है सर, वार पलटवार का जो दौर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का जोड़े के लिए, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए।